हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने गांव आया हूँ। तो ये अभी मौसम चल रहा है, आलू बेबाई हो रही है। मतलब ये देखिए, जैसे पीछे देख सकते हो आप, आलू बेब रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे ट्रैक्टर है हमारे घर के खुद के, तो एक खेत में बेब रहे हैं, मतलब बह जा रहे हैं। उसमें आलू होते हैं खेतों में, हमारे काफ़ी खेत हैं, तो हमने खुद के अपने ट्रैक्टर ले रखे हैं, तो उसमें आलू बह जाते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आलू कैसे बहते हैं उसमें, ठीक है, खेत में। तो अभी दिखाऊँ मैं आपको, वहीं मैं जा रहा हूँ। ये देखो, ऐसे कुछ खेत हैं, ये आलू यहाँ पे जैसे बह दिए हैं, बो दिए हैं। जैसे करंट के तार हैं ये सारे, अभी तो खैर नहीं आ रहा होगा इनमें करंट, क्योंकि मैं खेत में आ गया हूँ। वहाँ आगे ट्रैक्टर चल रहा है अपना, ये सब अपने खेत हैं। देखिए, अब इसमें से ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, पूरे पैर गंदे हो रहे हैं। अब तो उसकी ऑटोमेटिक मशीन लग गई हैं, लेकिन अभी खैर यहाँ पे हमारे गाँव तक नहीं आई हैं, और आई हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, इसलिए कोई उसे प्रेफर नहीं करता है के करने के लिए। तो ये सारे खेत यहीं पे बहे हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ऐसे चक्कर ले जाएगा, फिर ऐसे आगे घुमा के लाएगा, फिर यहाँ से ऐसे फिर घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते आते थे। देखो ट्रैक्टर निशाने ने, उसमें एक जना आलू डालता रहता है ऐसे ला के। ये आलू डाल दिए, फिर वहाँ से चार लड़के हैं, ये आलू लेके उस मशीन में डालेंगे, फिर वो आलू खेत में बहेंगे, ठीक है। जी शिवा में, और जे अंशु जो दिख रहे हैं मुझे, ना दिख रहा तो आलू भेजी डाल रहा हूँ। ये बड़े टांक तो दिख रहा है, फिर भी आलू ये देखो जी, ये अंग्रेज भी आए यहाँ पे आलू बहने, इंग्लैंड से। ये देखिए, ऐसे आलू डाले जाते हैं इसमें, जो भी खाली छोड़ता है उसका उसकी माल लगाई जाती है। और देखो ऐसे पीछे होते जाते हैं। पिते लड़ो, पिते एक बदी और, एक बदी और।